ललमटिया ओपी क्षेत्र के कबीरपुर पुल के समीप वाहन चेकिंग के दौरान स्थानीय युवकों ने पुलिस पर पथराव करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी किया। मिली जानकारी के मुताबिक वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार ललमटिया ओपी पुलिस के द्वारा कबीरपुर पुल के समीप संध्या में वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी तीन युवक गाली गलौज करते हुए मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के रहमत बाग की ओर से जा रहे थे। वहीं पुलिस को देख उक्त तीनों युवक वाहन चेकिंग स्थल के पास रुक रुक कर जोर जोर से गाली गलौज करने लगे। पुलिस ने कहा कि यहां चेकिंग चल रही है, आप लोग गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। इतने में तीनों युवक पुलिस से उलझ गए। वहीं देखते ही देखते करीब 10 मिनट के भीतर दर्जनों की संख्या में युवक पहुंच गए। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती तब तक उन युवकों के द्वारा पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। वहीं इस पथराव में दो होमगार्ड जवान भी चोटिल हो गए। पुलिस पदाधिकारी समेत जवान वहां से किसी तरह जान बचाकर थाना पहुंची। वहां पूरी घटना की सूचना पाकर नाथनगर थाना इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन और ललमटिया ओपी इंचार्ज मिथिलेश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। मामले में पुलिस ने 8 नामजद 50 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर गांव में गांव के ही दबंगों ने जमीन हड़पने के उद्देश्य से घर घुसकर घर वालों के साथ मारपीट करने के बाद घर में आग लगा दी। इस मामले में पीड़िता संगीता कुमारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लीज पर हमारी सास गुलाब देवी के नाम से जमीन है और वर्षों से इस जमीन पर हम सभी घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन गांव के दबंग मुकेश राम, उनकी पत्नी नविता देवी, पुत्री प्रीति कुमारी, पुत्र आनंद कुमार द्वारा घर में घुसकर लाठी डंडा मारते हुए घर में आग लगा दिया गया, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और दबंगों द्वारा मारपीट की घटना में अनिता कुमारी, पति आलोक कुमार, बुच्ची उर्फ एकता कुमारी, पुत्र मानव कुमार घायल हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल आलोक को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं संगीता ने स्थानीय पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जमीन का क्या मामला? जमीन का मामला नहीं, जमीन है, बोलता है कि हम ले खरीद लिए, हाँ तुम्हारा नहीं है, हम लोग का जमीन अपना माँ के नाम से है, गुलाब देवी के नाम से 99 साल के लिए लीज लिया गया है, ब्याही रामेश्वर प्रसाद गुप्ता से, और वो कहती है कि हम तुम्हारा लिखा सब लिखा लिया जमीन और तुम लोग को भगाओ भागो यहाँ से, रोज हम लोग को मार दंगा करती है। कौन मारा है? मारा है मेरे सामने मुकेश कुमार रहता है ना, वो मारा उसका बीबी नविता देवी नाम है उसका, बेटी को बड़ी है प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी है। काय मारा? हमारा बोलता है इससे बलजोबरी घर घुस गई, घर में आग लगा दी, सब चीज जलाई, कटाई मारा कैसी फेंक के मारा। खबर रोहतास जिला के करगहर से है, जहां एक अनोखी साधी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रोहतास जिला के करगहर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर गांव के कृष्णा चौहान का पुत्र दीपू कुमार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की नवली गांव के स्वर्गीय नारायण चौहान की पुत्री से बीते कई सालों से प्रेम करता था। जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन जब युवती 2-3 महीने की गर्भवती हो गई तो युवक शादी से इनकार करने लगा। मामला बढ़ता देख युवती के परिजनों ने करगहर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने लाई। उधर लड़की पक्ष भी लड़की को लेकर थाने पहुंच गया। थाने पर ही दोनों पक्ष द्वारा कई घंटे तक चली आपसी समझौते के बाद दोनों पक्ष शादी के लिए राजी हो गए, जिसके बाद करगहर थाना के पास स्थित शिव मंदिर परिसर में हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हुई। वहीं शादी के दौरान करगहर गांव के लोग ही बराती और वर वधु पक्ष बने नजर आए। लोगों ने इस अनोखी शादी से खुशी जताई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस अनोखी शादी का आनंद भी लिया। बताया जाता है कि दूल्हा दीपू की बहन की शादी गाजीपुर नवली में ही युवती के मामा से हुई है। इसके बाद दोनों में प्रेम हो गया और प्रेम इस कदर आगे बढ़ गया कि बात शादी तक पहुंच गई। फिलहाल यह शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या शादी हुआ है? ये शादी दो लड़का लड़की था, इसमें दोनों को राजा मंदिर से दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे और दोनों ही अपने मन और विचार से शादी किए हैं और इसमें हमारे पूरे समाज मिलकर के
मंदिर शिव मंदिर के पास उनकी शादी कराई। मामला ये है सर कि मेरा पहले से वो अच्छी था एकर था वहाँ अपना रिश्तेदार रहता था जिला गाजीपुर है उत्तर प्रदेश में नवली रहता था वहीं से हम रहते हैं छोटे पर वहीं उसका बहन का शादी हुआ है मेरे मामा से वहीं पर रहता था संबंध था तो फिर मालूम चला कि ऐसा ऐसा बात है तो हम लोग फिर बोले कह रहे हैं कि नहीं जो कर रहा है कर लीजिए उसको कंप्यूर दे रहे थे तो हम लोग आए तो आप पर केस उस किए हैं तो इस हिसाब से आए हैं कि यहाँ पर समझौता में अपना मिला के और शादी उदा कर लीजिए समझौता मान गए हैं शादी उदा करने के लिए तैयार हो गए। पटना जाने के दौरान भागलपुर के नौगछिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नौगछिया स्टेशन पर कहा कि अगर बिहार में कोई भी जिला बनेगा तो पहला नंबर नौगछिया का ही होगा। साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भागलपुर से हवाई सेवा बहाल हो इसके लिए पहल करने की बात भी कही। भागलपुर और नौगछिया में लगातार हो रहे गंगा एवं कोसी नदी के कटाव एवं कोसी नदीकरण कटाव को बहुत बड़ी समस्या करार देते हुए राज्य सरकार के द्वारा बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किए जाने की बात भी कही। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार में एक भी नया जिला नहीं जी। एक भी नया जिला नहीं जी जी। जब भी नया जिला बनेगा तो नौगछिया होगा। थैंक यू सर। बाढ़ है नौगछिया कई जिला है जी जी। लेकिन अभी तक एक भी नया जिला नहीं बना है। इसलिए जब सरकार विचार करेगी तो जरूर लोग अच्छा जो है और मांग करेगा कि भागलपुर में भी उड़ान सेवा प्रदान किया जाए। जिले में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में काफी तेजी आ गई है। जिले के जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने द्वारा समाज के विकास के लिए किए गए कार्यों के आधार पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत में दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही लालमती देवी और उनके पति पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल अपने समर्थकों के साथ पूरे पंचायत के सभी गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाते हुए अपने मुखिया के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए समर्थन की अपील कर रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि घनश्याम मंडल अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पंचायत के छोटी योगीवीर कोला खुर्द अंगारी सहित कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मिल रहे समर्थन को देखते हुए अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मैं पिछले 5 वर्ष इस पंचायत का मुखिया रहा था। आपने मेरा कार्यकाल देखा है और पिछले 5 साल जो मुखिया रहा उनका भी कार्यकाल देखे हैं। उसके हिसाब से आपको जिस तरह का सुविधा मैंने प्रदान किया और बीच में जो प्रदान हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप मुझे मतदान करें। मैं यही अपील लोगों से करता हूं। मिल रहा लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। जन सैलाब उमड़ पड़ता है मेरे गाँव पहुँचने के बाद। नाथनगर स्थित एसएस बालिका इंटर स्तरीय स्कूल में बाल संसद चुनाव का आयोजन किया गया जिसमें कुल 6 पदों के लिए विद्यालय के बच्चों ने नामांकन किया था जिसमें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री खेल मंत्री और कला संस्कृति मंत्री पदों के लिए नामांकन किया गया था। सभी पदों के लिए अलग अलग रंगों की पर्ची रखी गई थी। विद्यालय की प्राचार्या माधुरी कुमारी ने कहा कि विद्यालय के 2 शिक्षकों को नामांकन प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव होना है उसी चुनाव की नियमावली की तर्ज पर यह मतदान संपन्न हुआ। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा सभी विजेता को शपथ ग्रहण दिलाया गया।